सभी को मेरा नमस्कार स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण ढुंडवा में फिर हाजिर हैं बड़ी अपडेट के साथ अपडेट है हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर आपको बता दें आज कोई भी आप न्यूज़पेपर उठा लीजिए सभी में एक हेडलाइन जारी हुई है जिसमें हरियाणा कौशल रोज़गार द्वारा कहा गया है जिसमें कहा गया है कि एक लाख पाँच हज़ार एक सौ इक्यानवे भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम में की जा चुकी है यानी इतनी नौकरी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत दी जा चुकी है और दो लाख इक्यानवे हज़ार आठ सौ पचासी जो युवा है वो हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं और एक और जानकारी जो है वो है कि एक पोर्टल पर सारी स्कीमें दी जा रही है तो इसके लिए हम विस्तार से आपको बताने वाले हैं क्या हेडलाइन है वो भी दिखाएंगे आपकी क्या राय है उसके बारे में आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है चलिए शुरू करते हैं तो साथियों ये जो न्यूज़पेपर दैनिक जागरण हम ले रहे हैं वो 24 जुलाई 2023 का है जिसमें हेडलाइन दी गई है स्किलिंग रीस्किलिंग और अपस्किलिंग भावी श्रम शक्ति का मूल मंत्र है भारत के पास विश्व में कुशल श्रम शक्ति के सबसे बड़े प्रदाता देशों में से एक बनने की अक्षमता है नरेंद्र मोदी जी ने कहा और नीचे आप देख पा रहे हैं हुनर को समान रोजगार से पहचान अब तक हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड यानी एच के आर एन एल के माध्यम से कुल दो लाख इक्यानवे हज़ार आठ सौ पचासी युवाओं का रजिस्ट्रेशन हो चुका है कुल दो सौ इक्यावन विभिन्न विभागों में एक लाख पाँच हज़ार एक सौ इक्यानवे युवाओं को रोज़गार मिल चुका है यानी जो टोटल अभी तक नवंबर 2021 से जब हरियाणा को रोजगार निगम की स्थापना की गई थी तब से लेकर आज तक दो सौ इक्यावन डिपार्टमेंटों में एक लाख पाँच हजार एक सौ इक्यानवे युवाओं को नौकरी मिल चुकी है उचित प्रास्रमिक ई पी एफ ई एस आई आदि की सुविधा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि इस दौरान सभी जो कर्मचारी लगे हैं हरियाणा कौशल रोज़गार निगम में उन्हें उचित जो पे है वो दी जा रही है वह ईपीएफ और ईएसआई की सुविधा भी साथ में अच्छे से उन्हें दी जा रही है ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति रोज़गार बिना खर्ची बिना पर्ची ये बड़ा इश्तिहार छपा है आज का जो न्यूज़पेपर है हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड एच तो आपसे हम ये राय चाहते हैं कि जो कर्मचारी पहले ठेकेदारी प्रथा पर लगे हुए थे वो पोर्ट हो चुके हैं या नए फ्रेश कैंडिडेट को ज्वाइनिंग मिली है उनमें से आपकी क्या राय है क्या आपको फ़ायदा हुआ है कोई क्या परेशानी है उसके बाद भी क्योंकि पहले हम बार बार सुन रहे थे कि ठेकेदारी प्रथा से काफ़ी जो कर्मचारी है कच्चे कर्मचारी उनका शोषण हो रहा है समय पर सैलरी नहीं मिल रही है उसके अलावा प्रताड़ित किया जा रहा है और नौकरी के नाम पर उनसे पैसे लिए जाते हैं और ईएसआई और ईपीएफ की जो सुविधा है वो समय पर नहीं मिल पाती है और न ही सैलरी समय पर मिलती है तो यहाँ आने के बाद क्या जो इश्तियार छपा है वो सच सच्च में सच्चाई है क्या आपको समय पर सैलरी मिल रही है क्या ईपीएफ या ईएसआई की जो सुविधा आपको मिल रही है क्या आपके वेतन में वृद्धि हुई है जो ठेकेदारी प्रथा से मुक्ति मिली है उसका क्या आपको लाभ हुआ है तो आप साथियों जो आंकड़े दिए गए हैं उन के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं क्योंकि आज का बड़ा इश्तिहार है और आज जो भी कर्मचारी हरियाणा में नौकरी के लिए लगता है कच्चा तो उसको हरियाणा कौशल रोज़गार निगम के तहत रोज़गार दिया जाता है और अब कुछ अपडेट जो पोर्टल पर आया है वो आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं इसमें जो युवा नौकरी मिली है उसमें पहले से ही जो कच्चे कर्मचारी डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे वो पोर्ट भी किए गए हैं जिनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है उसके अलावा फ्रेशर कैंडिडेट को भी यहाँ पर नौकरी दी गई है और एक्सपीरियंस के जो कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर नौकरी दी जा चुकी है और कुल जो युवा रजिस्ट्रेशन हुआ है वो है दो लाख इक्यानवे हज़ार आठ सौ पचासी तो आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं जो भी आपको असुविधा या सुविधा मिली है वो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं धन्यवाद साथियों वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुभ हो